हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो में बिहार DLED के फर्स्ट ईयर के पेपर F2, जिसमें आपको पढ़ना है बचपन और बाल विकास के बारे में, इसके यूनिट 4 को जो है इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो है पूरी तरह से मैंने कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जो है F2 पेपर के यूनिट 4, जिसमें आपको जानना है खेल और बाल विकास के बारे में। देखिए, इस टॉपिक का नाम ही है खेल और बाल विकास, कि खेल के माध्यम से जो है बालक में क्या क्या विकास होते हैं, इसके बारे में जो है इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो इस टॉपिक में जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदु को जो है तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सके। तो पहला पॉइंट जो है आप देखेंगे अपने सिलेबस के हार्ड कॉपी में, तो वहाँ पर आपको पढ़ना है खेल से आशय अवधारणा विशेषता बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। मतलब खेल के आशय क्या है, खेल की अवधारणा क्या है, खेल का विशेषता क्या है, बच्चों के विकास के संदर्भ में खेल का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको जो है पहले बिंदु में, मतलब पहले पॉइंट में जो है आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम खेल के बारे में जानेंगे कि खेल क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ नोट्स में देखिए जो लिखा हुआ है, ऐसे मैं आपको बता दूं कि खेल जो होता है बच्चे अपने अनुसार से मनपसंद खेलते हैं, जिसमें बच्चों को जो है आनंद की अनुभूति हो उसी को जो है हम लोग खेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख ले, खेल या शब्द जो है थोड़ा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप उसे इग्नोर करेंगे, मेरी बात को समझेंगे आपको समझ में आ जाएगी। खेल यह शब्द एक प्रकार का जो है आनंद है। खेल जो शब्द है वह एक प्रकार का आनंद है। वही सभी कार्य जिसे हम रुचिपूर्वक अपने मन से स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिसे हम आनंद मिलता है, उसे हम लोग खेल कहते हैं। मतलब कि वह रुचिपूर्वक कार्य जिसमें हमें करने में रुचि लगे, या उसमें करने से जो है हमें स्वतंत्रता मिले और उसे करने से जो है हमें आनंद की अनुभूति मिले, उसी को जो है हम लोग खेल कहते हैं। सीधे तौर पर जो है खेल वह है जो खाली समय में हम अपनी पसंद से खेलते हैं। यह वह क्रिया है जो हमें अपने आप में स्वतंत्र, उद्देश्यहीन और आनंदपूर्वक होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि खेल जो होता है हम अपने रुचिपूर्वक अपने मन से स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, जिसमें जो है हमें आनंद की अनुभूति होता है। साथ ही साथ खेल वह खाली समय में खेल को जो है जो हम लोग खाली समय में अपने मन पसंद से खेलते हैं, तथा उस क्रिया का जो है अपने आप में जो है कोई जो होता है उद्देश्य नहीं होता है, वो जिसके मात्र केवल एक ही उद्देश्य होता है अपने आप को जो है स्वतंत्र रूप होकर अपने आप को आनंदित पूर्वक जो है खेल खेलना, उसी को जो है हम लोग खेल कहते हैं। खेल का अर्थ सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जो अपने आप में स्वतंत्र, उद्देश्यहीन होकर सिर्फ आनंद पूर्वक रुचिमय होकर खेले, उसी को जो है हम लोग खेल कह सकते हैं। और खेल का जो है कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। अगर आपका वहाँ उद्देश्य हो गया तो समझे कि वह खेल नहीं हुआ, एक बिजनेस पर्पस हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपका बिंदु है मनोविज्ञान के द्वारा जो है खेल के जो है ऊपर बहुत सारे परिभाषा दिए गए हैं। तो इसमें से जो है महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने जो है खेल के ऊपर परिभाषा दी है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला यहाँ पर जो है गुलिक के अनुसार, तो खेल जो है उस बारीकी को कहते हैं जिसे जो है हम अपनी इच्छा से खेलते हैं या करते हैं, उसे जो है हम लोग खेल कहते हैं। यहाँ थोड़ी हिंदी टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप उसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जो है कार्डवेल के अनुसार, तो कार्डवेल के अनुसार जो है खेल कूद शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, उसी को जो है खेल कहते हैं। देखिए, खेल कूद जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए जो है कार्डवेल है, इन्होंने कहा था कि खेलकूद जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है साधन है। अब हम जो है खेल के विशेषता के बारे में जानेंगे। तो खेल के जो होते हैं विशेषता निम्न होते हैं, यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला पॉइंट है
खेल आनंददायी होता है। कोई भी खेल जो होता है, जो बच्चे स्वतंत्र रूप से होकर अपने मन मुताबिक अपने रुचिमय हो रुचि से जो है खेलते हैं, तो वह क्या होता है, आनंददायी होता है, आनंदपूर्वक होता है। सेकेंड है, यह स्वतंत्र होता है, खेल जो होता है स्वतंत्र रूप से खेला जाता है, यह इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, खेल वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण होता है, जो हमारा वास्तविक जीवन है उसमें हमारा खेल होना बहुत ही अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, खेल स्व प्रेरित तथा स्वनिर्देशित होता है, खेल जो होता है खुद से प्रेरित होकर और खुद का निर्देश होता है, मतलब खुद की राय विचार होती है तो जो उसे होता है होता है। नेक्स्ट है, खेल में प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है ना कि परिणाम, खेल की जो प्रक्रिया है वह महत्वपूर्ण होता है ना कि परिणाम, परिणाम क्या आता है वह उससे मतलब नहीं है, लेकिन खेल जो है उसका प्रक्रिया क्या है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे को जो है खेल के माध्यम से आनंददायी होता है, स्वतंत्र रूप से खेलते हैं तथा वह जो है वास्तविक जीवन से रिलेट करके खेलते हैं और उससे माध्यम से जो होता है शिक्षा को जो है वह आसानी से ग्रहण भी कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका 6th नंबर पॉइंट है, खेल जो होता है काल्पनिक और सृजनात्मक होता है, बच्चे चंचल बनते हैं। खेल खेलने से बच्चे क्या होते हैं कि कल्पनाशील होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं, समझते हैं, साथ ही साथ जो होते हैं सृजनात्मक होते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है जानते पहचानते हैं, सृजन करते हैं, वो अपने से नियम कानून, अपने खेल के विधि और अपने खेल अपने के अनुसार जो जो है वह खेल के नियम निर्देश जो है जारी करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो इसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वह कल्पनाशील बनते हैं, साथ ही साथ चंचल बनते हैं और साथ ही साथ जो होता है सृजनात्मक बनते हैं। तो यह आपका जो हो गया खेल की विशेषताएं हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो और जानेंगे खेल की विशेषताएं में, टोटल आपका 9 पॉइंट है। 7th नंबर पॉइंट है, खेल से बच्चे के अंदर जो है बहुत सारी ज्ञान और बहुत सारी जानकारियां जो होती है प्राप्त होती है। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे व्यवहार जो है सीखते हैं, तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से जो है बच्चों के अंदर जो है बहुत सारी ज्ञान और बहुत सारी जानकारियां जो होती है प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका 8th नंबर है, खेल से बच्चों में स्फूर्ति आती है, जब बच्चा खेल खेलता है तो वह दौड़ता है तो उसका जो होता है शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से जो होता है बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक एवं सभी पहलू जो है तीव्र गति से विकसित होता है, साथ ही साथ जो होता है बच्चों में स्फूर्ति आती है। नेक्स्ट है, खेल से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास जो होती है प्रवृत्ति से होती है, तीव्र गति से होती है, बच्चे के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत जो होता है खेल होता है। खेल के माध्यम से जो होता है बच्चों का शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी पहलू जो है तीव्र गति से विकास होते हैं, साथ ही साथ जो होता है बच्चों के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत होता है खेल। तो आपने जो है खेल के महत्व को समझा, विशेषता को समझा, अब हम आगे जानेंगे खेलों के विभिन्न प्रकार के, किस तरह के खेल होते हैं, ये भी आपके जो है प्रश्न पूछते हैं फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कि खेलों के विभिन्न प्रकार को जो है स्पष्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला है रचनात्मक खेल। देखिए इसके नाम से ही जो है आपको सारे इसका डिफिनेशन पता चल जाएगा। रचनात्मक खेल कहने का अर्थ है कि किसी भी तरह का जो है किसी चीज़ों का रचना करके उसमें खेलना, उसी को जो है हम लोग रचनात्मक खेल कहते हैं। जैसे मिट्टी से बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बनाकर अगर खेलते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो है उनके अंदर जो है रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, मतलब कि वो खुद से रचना करके जो है उस खेल को खेल रहे हैं। जैसे यहाँ डिफिनेशन देख ले कि रचनात्मक खेल कहानी का अर्थ, जो आपका रचनात्मक खेल कहानी का अर्थ है कि ऐसा खेल जिसमें किसी भी वस्तु की रचना की जाए साथ ही साथ उसके बारे में ज्ञान प्राप्त की जाए। इसमें जैसे ऐसा खेल क्या करे कि जिसके साथ जो है किसी वस्तु की रचना की जाए और साथ ही साथ जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, उसी को जो है हम लोग रचनात्मक खेल कहते हैं। एग्जाम्पल में देख ले कि खेल में मिट्टी का खिलौना बनाना, लकड़ी का घर बनाना आदि के माध्यम से जो है बच्चा के अंदर जो है कल्पना का विकास उत्पन्न होता है। कल्पना मतलब शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और रचना का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि रचनात्मक खेल जो होता है वैसे खेल होते हैं जो बच्चे जो होते हैं किसी भी वस्तु को जो है खुद से बनाते हैं, उसके बारे में उसके ज्ञान के बारे में जानते हैं, उसे अपने व्यवहार में लागू करते हैं, तो उसी को जो है रचनात्मक खेल कहते हैं। अब आगे आपका कल्पनात्मक खेल। कल्पनात्मक मतलब कि सोचने विचारने की जो शक्ति होती है। देखिए कल्पनात्मक खेल के माध्यम से कल्पना करने की शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि जिस प्रकार अभिभावक या अभिनय करते हैं,
जिस प्रकार जो है बच्चे जो होते हैं अभिनय करना सीखते हैं, नेताओं का अभिनय करते हैं, इस खेल में क्या होता है कि कल्पना का विकास अच्छा होता है और साथ ही साथ जो होता है उसके प्रति जो है शक्ति बढ़ती है कल्पना करने की, और उसके मानसिक तक शक्ति जो है तीव्र गति से विकसित होती है। अक्सर आपने बचपन में जो है बच्चे को भी देखा होगा और बचपन में आपने भी किया होगा कि आप दूसरे का जो है नकल करते हैं, मतलब कि कल्पना शक्ति करते हैं कि नकल उतारते हैं, तो ये क्या हो गया कल्पना शक्ति, उससे तीव्र गति से वृद्धि होती है और कल्पनात्मक खेल के माध्यम से जो होता है कल्पना करने की शक्ति में जो होती है वृद्धि होती है। कल्पना करना मतलब कि मानसिक शक्ति वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे अगले नियमबंध खेल। देखिए नियमबंध खेल कहने का अर्थ है कि नियमबंध खेल वैसे खेल होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के खेल का एक नियम द्वारा खेला जाता है, उसी को हम लोग नियमबंध खेल कहते हैं, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी आदि। देखिए नियमबंध मतलब कि ऐसा खेल जिसमें नियम के तौर पर हम लोग खेलते हैं, नियम के द्वारा खेलते हैं कि आपको जो है इतना ही प्लेयर खिलवाना है, इतने मिनट का ये गेम होगा, इस तरह हुआ तो आउट हो जाएंगे, तो नियम होता है, नियम और कानून कह सकते हैं इसको, तो उस तरह के जो है खेल को नियमबंध खेल कहते हैं, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, ये सब में जो है बहुत सारा नियम है। अब आपका आ गया सृजनात्मक खेल। सृजनात्मक खेल का माध्यम से जो होता है बच्चों में सृजन करने की शक्ति जो होता है विकसित होता है, साथ ही साथ इस प्रकार के खेल के द्वारा कुछ नई बातों का और विचारों का जो है विकास होता है। सृजन मतलब उत्पन्न करना, नई चीजों के बारे में बच्चे जो है सृजन करते हैं, उनके शक्ति का विकास होता है, बच्चे में सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, साथ ही साथ जो होता है इस प्रकार के खेल के द्वारा जो है उनके अंदर जो है विचार का विकास जो होता है अच्छे से होता है। अब आपका आ गया खोजी खेल। खोजी खेल मैं आपको एक और बता दूं कि आप चाहेंगे तो यहाँ पर इंडोर और आउटडोर भी जोड़ सकते हैं, मतलब कि घर के अंदरी वाला खेल और घर के बाहर वाला खेल, ये आपने बचपन से ही पढ़ता आ रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में। देखिए खोजी खेल मतलब यह होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने आनंद एवं रुचि के द्वारा जो है कुछ ऐसे नवीन खेलों का जो है खोज करते हैं। अब अक्सर आपने बचपन में बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं खुद से ऐसे कुछ खेल खेलते हैं जो कि दोबारा आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन बच्चे जो होते हैं उसे जो है खुद खोजते हैं, जैसे पत्ते को गिनती करना, पत्ते को तोड़कर उससे खेलना या फूलों से तोड़कर खेलना, तो इस तरह के खेल जो होते हैं बच्चे खुद खोजते हैं, या कोई खेल थोड़ी है लेकिन बच्चे के अंदर जो है उनके आनंदमय के लिए, आनंद के लिए, रुचि के लिए नवीन खेल का जो है वह क्या करते हैं खुद के लिए जो है नियम बनाते हैं, खुद का खोजते हैं, और साथ ही साथ जो होते हैं वो बच्चों और अपने द्वारा जो है खुद खेलने की खोज और उसके द्वारा जो है खुद का नियम बनाते हैं, तो उसी को जो है खोजी खेल कहते हैं। खोजी खेल कहने का अर्थ है कि बच्चे अपने आनंद एवं रुचि के द्वारा नवीन खेलों का जो है मतलब सृजन करते हैं, खोजते हैं, और साथ ही साथ उस खेल में अपना नियम कानून लगाकर उसे खेलते हैं, जिससे उन्हें अंदर जो है आनंद की अनुभूति होती है, रुचि की अनुभूति होती है, उसी को जो है हम लोग खोजी खेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम जानेंगे खेल के माध्यम से बच्चों में निम्न प्रकार के विकास होते हैं। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि खेल के माध्यम से जो होते हैं बच्चे में किस प्रकार के जो है विकास होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला यहाँ बिंदु देखें, खेल के माध्यम से शारीरिक विकास होता है, यहाँ पर सारी लिखा गया गलती है, खेल के माध्यम से जो है बच्चों में शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति विकास होता है। नेक्स्ट है सबके साथ खेलने से जो है सामाजिक विकास होता है, बच्चे जब आपस में सभी धर्म संप्रदाय लोगों के साथ जो है वो खेलेंगे बच्चे से, तो क्या होगा कि उनके अंदर जो है जो भी समाज के लोग हैं उनके प्रति जो है सामाजिक विकास होगा, फिर आपका नैतिक विकास होगा। नेक्स्ट है आपका खेल के माध्यम से शिक्षा का भी जो है विकास होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो होते हैं बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन खेल खेल में जो है बच्चे उसके अवधारणा को, उसके महत्व को जो है समझ सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है शिक्षा को आसानी से दी जा सकती है। नेक्स्ट है खेल के माध्यम से किसी भी विषय को आसानी से पढ़ाया जा सकता है तथा उसकी अवधारणाओं को जो है समझाया जा सकता है। आपने समझ गया कि खेल के बच्चों के निम्न प्रकार के विकास करते हैं, खेल के माध्यम से जो होता है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, साथ ही साथ सामाजिक एवं नैतिक एवं बौद्धिक चारित्रिक विकास होता है, साथ ही साथ जो होते हैं भावनात्मक विकास होता है, जैसे कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं किसी को चोट लग गया तो उनके प्रति संवेदनशील या भावना उत्पन्न होना, तो इससे होता है भावनात्मक विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है, नैतिक विकास होता है, साथ ही साथ किसी भी विषय वस्तु को अगर पढ़ाना हो तो अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो खेल के
माध्यम से जो है उसे आसानी से पढ़ाया जा सकता है। तो यह जो था आपका खेल के माध्यम से बच्चों में निम्न प्रकार के विकास होते हैं उसके बारे में थे। अब हम अगले बिंदु को जानेंगे, खेल के विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। खेल के जो विकास है उनके प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो खेल के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो निम्न है। जैसे कि पहला आपका यहाँ पर आ गया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो होता है बच्चे के खेल को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं रहे तो वह सही ढंग से खेलेगा नहीं। अगर सही ढंग से नहीं खेलेगा तो उसके जो मानसिक है, जो चारित्रिक है, या जो भी उनके शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से नहीं होगा, तो उसे जो है शिक्षा में भी मन नहीं लगेगा, तो बच्चा क्या होगा, पिछड़ते चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये सब कारण जो है बच्चों के जो है खेल को प्रभावित करता है। जैसे पहला आपका जो है क्या है, स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य कहने का अर्थ है कि आप डिफिनेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है अच्छा होता है वह बच्चा हर प्रकार से अधिक क्रियाशील होता है तथा वह किसी भी खेल को आसानी से खेल सकता है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं हो तो बच्चे को जो है खेलने में असमर्थ रहेगा, साथ ही साथ उसका जो है शारीरिक विकास जो है तीव्र गति से या सही गति से जो है नहीं होगा। आपने समझ गया स्वास्थ्य। अब दूसरा जो है आपका लिंग आ जाता है। लिंग भी जो होता है भेदभाव कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं लिंग के आधार पर खेलने के लिए जो होते हैं रुचि को प्रभावित करता है। तो जैसे देख ले, एक आयु के बाद जो होता है बाल्य अवस्था के बाद जो होता है सामान्यतः बालक और बालिकाओं में जो है खेल अलग अलग हो जाते हैं, तो जो उनकी रुचि को प्रभावित करता है। पहले क्या होता है कि बच्चे और बच्चियां जो होते हैं आपस में खेलते हैं, लेकिन एक समय के बाद जो होता है जैसे बच्चों में लिंग की अवधारणा विकसित हो जाते हैं तो वह क्या होते हैं कि बालक और बालिकाओं का खेल जो होता है अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों जो है आपस में कभी नहीं खेलते, वो अलग अलग जो है अपने समूह में खेलते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी रुचि जो है प्रभावित हो सकता है। अगला बिंदु को देखेंगे तो अगला बिंदु आपका है आयु। आयु भी जो है प्रभावित करता है। देखिए बचपन में सभी बच्चे एक साथ खेलना पसंद करते हैं एवं अपने घर के आसपास खेलते हैं, परंतु एक आयु के बाद जो होता है वह समूह में खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें जो बहुत सारी बातों का ज्ञान आ जाती है जिसकी वजह से जो है वे अपने मन पसंद लोगों के साथ ही जो होते हैं खेलना पसंद करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो अपने घर के पास जितने भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो सभी के साथ खेलेंगे, लेकिन एक समय आयु के बाद जब उसकी आयु तनी थोड़ा बढ़ जाता है तो एक समय बाद जो होता है वो अपने समूह में खेलना पसंद नहीं करता है, बल्कि वे अपने मन पसंद लोगों के साथ जो है खेलना पसंद करता है। तो अक्सर ऐसा देखने को मिला है। तो ये भी जो है बच्चों को उसके खेल को प्रभावित कर सकता है। अब हम आगे जानेंगे तो अगला आपका जो बिंदु है 4 नंबर, वो आपका जो है वातावरण। ये भी जो है बच्चे के जो है खेल को प्रभावित करता है। अगर बच्चों को खेलने के लिए सही वातावरण नहीं दिया जाए तो बच्चों का क्या होगा कि जो खेलने का जो विकास है वो नहीं होगा, जिससे जो है उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है सही से नहीं होगा। देखिए खेलने के लिए पर्याप्त जगह होना अनिवार्य होता है, क्योंकि शारीरिक विकास के लिए जो है खेल खुले मैदान खेल की आवश्यकता, और खेल खुले मैदान में बच्चे नहीं खेलते हैं तो बच्चे के खेल के विकास जो होता है सही ढंग से नहीं हो पाता है तथा उसकी खेल को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ जो होता है समाज जो उनके शारीरिक विकास होते हैं उसे जो है प्रभावित कर सकता है। कहने का अर्थ है कि जो वातावरण होता है बच्चों के लिए पर्याप्त वातावरण अगर नहीं दिया जाए खेलने के लिए तो वह ज़्यादातर खेलेंगे कूदेंगे नहीं, दौड़ेंगे धूपेंगे नहीं, तो उनका क्या होगा जो शारीरिक और मानसिक विकास है तीव्र गति से नहीं होगा। तो ये भी आपके प्रभावित कर सकते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में वातावरण सही ढंग से नहीं दिया जाए बच्चों को खेलने के लिए तो बहुत सारी क्षमता जो होती है वो मर जाती है, नहीं विकसित हो पाती है। फिर आपका आता है समय। समय कहने का अर्थ है कि खेल के लिए जो है उचित समय होना सही है। बच्चे किसी भी समय जो है नहीं खेल सकते, अर्थात उनका दिनचर्या भी जो है इसी के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को खेल को प्रभावित कर सकता है। बच्चे जो है अक्सर खेला नहीं कर सकते, नहीं तो उनको प्रभावित कर सकता है, उनके शारीरिक विकास को जो है प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लें कि बच्चों को शाम में खेलना है, अगर वो बच्चे धूप में खेलेंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, तो उनके शारीरिक विकास मतलब क्या होगा थोड़ा घट जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह जो होता है समय की उच्च भी जो है बच्चों के खेल को प्रभावित करता है। फिर आपका आ जाता है खेल सामग्री। ये भी जो है बच्चों को खेल को प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो जिसके पास खेल सामग्री अच्छी तरह से उपलब्ध है वो बच्चा जो है अच्छे से खेलेगा, जिसके पास खेल सामग्री नहीं है तो वो बच्चा नहीं खेल पाएगा। तो यहाँ भी जो है बच्चे को जो है खेल प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जिस प्रकार संसाधन, देखिए जिस प्रकार का संसाधन होता है बच्चे के खेल उसी प्रकार का होता है, अर्थात खेल सामग्री का होना आवश्यक है। अगर खेल सामग्री नहीं होती है तो बच्चे का खेल जो है प्रभावित हो पाएगा। अगर बच्चे के पास उचित मात्रा में खेल सामग्री नहीं है या सही ढंग का नहीं है तो बच्चे का खेल प्रभावित होगा। बच्चे का पास है ही नहीं खेल सामग्री तो खेलेंगे ही नहीं, तो नहीं खेलेंगे तो उनके शारीरिक मानसिक एवं जो संवेगात्मक जो भी पहलू हैं विकास के वो सभी प्रभावित हो जाएंगे। अब हम आगे जानेंगे बच्चों के विविध खेल।
जैसे पहला आ गया आपका प्रयोगात्मक खेल। बच्चे एक नन्ही वैज्ञानिक होते हैं जो कि अपने अनुसार नए प्रकार का खेल खोजते हैं एवं उसका प्रयोग करते हैं तथा अपने अनुसार से जो है उसका नियम और कानून बनाते हैं, उसी को जो है प्रयोगात्मक खेल कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया स्वाभाविक खेल, ऐसा खेल जिसे बच्चे अपने रुचि एवं बिना किसी प्रकार के प्रतिबिंब होकर खेलते हैं, उसे जो है हम लोग स्वाभाविक खेल कहते हैं। रचनात्मक, सभी मैंने ऊपर बनाया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर मैंने अभी आप जस्ट बताया है, खेल के माध्यम से कुछ विचार एवं नियम को खुद से बनाकर खेलते हैं, उसे जो है रचनात्मक खेल कहते हैं। साथ ही साथ बच्चे में रचना की प्रवृत्ति का विकास होता है इसके माध्यम से, रचनात्मक से। नेक्स्ट आपका है दौड़ धूप खेल, इसके माध्यम से जो होता है बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है एवं गामक विकास होता है तीव्र गति से होता है, साथ ही साथ बच्चों की जो होती है मांसपेशियां मजबूत होती है और बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। दौड़ना भागना और लुका छुपी इत्यादि जो होता है बच्चों का जो है विकास करने में सहायता करता है। नेक्स्ट आपका है मानसिक खेल, मानसिक खेल कहने का अर्थ है कि नाटक, अभिनय, शतरंज आदि प्रकार के खेल खेलने से जो होता है बच्चों के अंदर जो होता है बौद्धिक एवं मानसिक विकास जो होता है प्रवृत्ति तीव्र गति से होता है और सोचने समझने की जो शक्ति होती है वह बढ़ती है, उसी को जो है हम लोग मानसिक खेल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कल्पनात्मक खेल, कल्पना मतलब कि सोचने समझने की जो शक्ति विकसित होती है उसे हम लोग कल्पनात्मक खेल कहते हैं। इस प्रकार से खेल जिसमें बच्चे कल्पना द्वारा जो है खेलते हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल, शादी विवाह का खेल, उसी को जो है हम लोग कल्पनात्मक खेल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सामूहिक खेल, तो सामूहिक खेल भी जो होता है बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक प्रकार का जो होता है समूह बनाकर खेलना, उसमें जो है सभी गीता का भावना मतलब जो भी सहभागिता का भावना जो होता है उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि जो है समूह में खेलते हैं तो बच्चों के अंदर जो होता है सामूहिक कार्य करने का जो होता है विकसित होता है, साथ ही साथ जो होता है बहुत सारे चारित्रिक, नैतिक, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी जो है बच्चों के अंदर विकसित होता है। तो ये सभी जो है खेल आवश्यक है। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो है पेपर F2 बचपन और बाल विकास के बारे में जो है सभी यूनिट 4 को जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।